वी हैव न्यू लिस्टिंग DHA फेस 5 में। हमारे पास एक किनाल का घर है जो स्पैनिश स्टाइल में बना हुआ है, कॉर्नर घर है मेन बुलेवर्ड पे। अभी इस घर का टूर करेंगे। इस घर की एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि घर बना कैसे हुआ है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, उसकी मेजरमेंट क्या है, जो कि अक्सर आप लोग पूछते हो मेरे से वीडियो में कि मैं आप लोगों को मेजरमेंट नहीं बताता क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाह रहा होता हूँ। जितनी लंबी वीडियो हो उतना व्यूअर जो है वो इरिटेट होता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप घर देखें और घर को विजिट करें, ना कि वीडियो देख के आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि यार मैंने घर देख लिया। ओके, सो हमारे पास एक खूबसूरत ग्रीन लॉन है जो कि आप लोगों को बड़ा पसंद होगा, क्योंकि ग्रीनरी ही आपकी लाइफ है, नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए। इस घर का ये बड़ा खूबसूरत सा लॉन बना हुआ है। यहाँ से हमारे पास वॉकवे है इस घर के अंदर एंटर होने के लिए। आप ये देख सकते हैं इस घर में ऐसा अब्दुल्ला की टाइल्स लगी हुई हैं। इस घर की जो लाइट्स हैं वो SMC की लाइट्स लगी हुई हैं। सो इसका 12 फुट लंबा दरवाज़ा जो कि वुडन का सॉलिड वुड का बना हुआ। ये इस घर की लोबी है, डबल हाइटेड लोबी है। इसमें जो आप मार्बल देख रहे हैं ज़ियारत का वाइट मार्बल A-ग्रेड का लगा हुआ है। इस मार्बल को आप देख सकते हैं। पूरे घर की जो स्टेयरकेस है, जो इसका पाउडर रूम बना हुआ है, जो इसका स्टोर रूम बना हुआ है, उसमें भी वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। यहाँ से मूव करेंगे अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ये इस घर का वाइट ड्राइंग रूम है। इसकी जो साइजिंग है मैं आपको बता देता हूँ, 18x14 इसकी साइजिंग है, जो कि इसका ड्राइंग रूम का एरिया है। इसके बाद आपका जो डाइनिंग का एरिया है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 14x12 एरिया है इसका डाइनिंग का। यहाँ पे हमारे पास हीट वोटर है, शैंडले लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, इसकी सीलिंग देख सकते हैं, इसकी SMC की लाइट्स लगी हुई हैं, एस अब्दुल्ला की टाइल्स लगी हुई हैं। इसके अलावा इसमें केल की फिटिंग लगी हुई है। ये इस घर के फीचर्स हैं। 60 और 80 ग्रेड का सरिया इसमें यूज़ किया गया, मॉडल का लीप मैपल का इसमें सीमेंट यूज़ किया गया। ये इस घर के की फीचर्स हैं। सो लेट्स मूव टू इस घर की लोबी से लिविंग एरिया की तरफ। सो ये इस घर का लिविंग एरिया है। इस मैसिव लिविंग एरिया में आप अपने डिज़ाइनर सोफ़ाज़ को, अपने डे बेड को, अपने टीवी सेट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं और गैदरिंग भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो UV की शीट्स यूज़ की गई हैं वो नेम ट्रेडर्स की हैं। DHA में अच्छा घर बनाने वाले इन चीज़ों को समझते हैं। इस घर के शैंडले, इस घर की डिज़ाइनिंग, इस घर की वॉल पैनलिंग, इस घर की जो पेंट है, वो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा गया। सो इस घर के किचन को विजिट करते हैं। इस घर का जो किचन है, किचन हमारे घर की खवातीन के लिए बड़ी नायाब जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ कुछ शेफ लग रहा होगा, लेकिन मैं शेफ हूँ नहीं। इस घर की आप डेकोर के लिए, आपकी जो क्रॉकरी है उसके लिए बड़ी खूबसूरत सी शेल्फ बनी हुई है। सो यहाँ पे डिफरेंट अप्लाइंसेस लगे हुए हैं। खुल जा सैमसंग, ये अप्लाइंसेस लगे हुए हैं। इसके अलावा आपके ये कैबिनेट लगे हुए हैं, वेंटिलेशन की पीछे जगह है। ये आपका वेट किचन है और डर्टी किचन कौन सा है, ये आपका छोटा सा डर्टी किचन है। इसमें भी वाइट मार्बल लगा हुआ है। वाइट मार्बल से आपके घर की जो लुक है वो वाइट हो जाती है, काफ़ी वाइट फील आती है, खुला खुला महसूस होता है। तो ये विक्टोरिया स्टाइल के घर में जो कि कॉर्नर घर है, इसमें आपने देखा होगा ये विंटेज लुक का घर है, जिसमें वुड वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। वाइट फील दी गई है इस घर की वाइट मार्बल के साथ, A-ग्रेड का वाइट मार्बल है। ये जो खूबसूरत आपकी फिटिंग्स लगी हुई हैं, ये सीधा आपको लगी जाएंगी आपके मास्टर बेड पे। ये इस घर के ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड है, काफ़ी वाइड बना हुआ है, वाइड भी है। ये इसकी विंडोज़ हैं जहाँ पर आप खड़े होकर बाहर के नज़ारे कर सकते हैं, बाहर के एरिया देख सकते हैं। नॉर्मली एक किनाल के घर में 4.5 फीट की जो गली है वो DHA के रूल के मुताबिक छोड़नी पड़ती है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट आप अचीव कर सकते हैं वो 35 फीट है,
उससे ऊपर आप हाइट अचीव नहीं कर सकते, चाहे आप ममटी बनाए ना बनाए। इस घर में बेसिकली जो है वो 7 क्वार्टर भी हाफ बेसमेंट है। नॉर्मली जो DHA में घर बनते हैं उसमें हाफ बेसमेंट होती है। जो लोग ममटी बनाते हैं वो दरअसल मैं समझता हूँ उस चीज़ में लूज कर रहे होते हैं। अगर आप ममटी बनाएं या बेसमेंट बनाएं आपका खर्चा सेम ही आता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसकी यूवी की शीट जो है वो नेम ट्रेडर से बाय की गई है। ये यूवी की शीट्स हैं इसकी, आप देख सकते हैं अंदर और बाहर का जो टेक्सचर है वो सेम है। उसके जो कैबिनेट हैं वो विद लाइट SMC की लाइट्स और फिटिंग्स इसमें की गई हैं यूज़। यानी कि आपके वार्डरोब का हिस्सा डिफरेंट है। उसके बाद एक डोर है छोटा सा। इस डोर के बाद आपका जो वॉशरूम है वो 200 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारे पास शावर कैबिनेट है। ये केल की फिटिंग्स लगी हुई है इस घर में, और साथ में आपको कंपोर्ट मिलती है, ये आपको सिंक मिलता है। खम टू दी सेकेंड रूम। ये इस घर का सेकेंड रूम है, बड़ा खूबसूरत और खुला डुला बना हुआ है। इसकी जो आप वॉल पैनलिंग देख सकते हैं, वॉल पेपर देख सकते हैं, वो रूम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। रूम को कंजस्टेड फील नहीं देता, खुला खुला महसूस होता है। माइट भी पॉसिबल मेरा कैमरा आपको थोड़ा सा कंजस्टेड फील करवा रहा हो, लेकिन जब आप इस घर को देखेंगे आपको पता चलेगा आप एक कैनाल के घर में हैं। इस घर का सेकेंड वॉशरूम, ये आपके पाउडर रूम के साथ एक स्टोर रूम छोटा सा, और ये स्टेयरकेस हैं। स्टेयरकेस से हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे और आपको बड़ा अमेजिंग किस्म का डिज़ाइन मिलेगा इस घर का, जो कि मैं आपको इसमें शो करवाऊंगा। लेट्स मूव फॉर फर्स्ट फ्लोर। का फर्स्ट फ्लोर है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ फर्स्ट फ्लोर है। इसका जो लिविंग एरिया आपने देख लिया, इसको मैं दिखाऊंगा डिटेल में। अभी हम पैशियो देखेंगे, ठंडी और ताज़ी हवा लेंगे। क्या खूबसूरत मंजर है। इस घर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इस पैशियो ही है, क्योंकि इस पैशियो को आप देख सकते हैं बड़ा मैसिव बनाया गया, बड़ा वाइड एंगल दिया गया। इस पैशियो पे खड़े होकर जब आप बाहर का व्यू देखते हैं तो आपके घर के पैसे पूरे हो जाते हैं। खूबसूरत और कॉर्नर घर का सबसे मज़े का यही एक बेनिफिट होता है कि आप इसको दोनों तरफ से आप इसको देख रहे होते हो, पैनोरामिक व्यू आता है आपको घर का। सो ये इस घर का पैशियो है जो कि कनेक्ट करता है 3 जगहों पे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और आपका लिविंग एरिया। लेट्स मूव फॉर लिविंग एरिया एंड 3 वो रूम जो आपको मैं दिखाऊंगा। इसके लेफ्ट साइड वाले रूम में एक बड़ा खूबसूरत सा बेल्कनी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस घर का लिविंग एरिया है जो शानदार और दिलकश बना हुआ है। इस लिविंग एरिया को आप नीचे वाले लिविंग एरिया से भी कंपेयर करेंगे तो टोटल इक्वली बने हुए हैं। इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 7650 कवर्ड एरिया है इसका, जो कि नॉर्मली एक किनाल के घर में नहीं होता। सो ये इस घर का ये लिविंग एरिया है जिसमें आपको फायरप्लेस मिलता है, मीडिया वॉल मिलती है, और आपको एक टाइल के टेक्सचर में बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन मिलता है। इस रूम नंबर 1 में बड़ी खूबसूरत सी एक टेरेस बनी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा जो पैसेज आता है, ये नॉर्मली किसी भी घर में मिलता नहीं है। आर्किटेक्ट ने बड़ा ही सोच समझ के घर को डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक रूम है जो छोटा रूम है, इसकी आप विंडो देख सकते हैं, इसकी जो सीलिंग है, इसके अलावा इसमें जो AC लगे हुए हैं, वॉल पैनलिंग, इसके जो शैंडलर हैं, ये बेल्कनी है इसकी। इसके बाद बाथरूम। इस बाथरूम में उसी तरह का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वाटर अलग से है। और ये घर की बेल्कनी है, इस बेल्कनी से भी आप इस घर का व्यू ले सकते हैं। क्या शानदार व्यू है। ये मिनी किचन है फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि DHA के हर घर में 3 किचन होते हैं। ये एक बेडरूम है, सेकेंड बेडरूम इस घर का। सेकेंड बेडरूम में भी आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर है, थोड़ा सा इसको डार्क व्यू दिया गया है। ब्राउनिश शेड का ये रूम बना हुआ है। इसका भी आप बाथरूम देख सकते हैं, बड़ा वाइट बाथरूम बना हुआ है। तो ये इस घर के सेकेंड बेडरूम का बाथरूम था। हर बाथरूम में एक सरप्राइज़ है, यहाँ पे भी एक सरप्राइज़ है, जो कि इस घर के
लॉन्ड्री एरिया से आपके टेरेस को यानी छत को रास्ता जाता है। शॉर्टकट है, पैशियो से कनेक्ट करते हो हवा खाने के लिए। इस घर में ऐसी सी चीज़ें लगी हुई हैं जो शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर सका, लेकिन जब आप कॉल करेंगे मैं आपको उसकी डिटेल भेज दूंगा। ये इस घर का विजुअल टूर था, इस घर का तीसरा बेडरूम था, उस तीसरे बेडरूम का ये बाथरूम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नॉर्मली गर्मी में वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल काम होता है। बिलाल फ्रॉम बिल्ड स्मार्ट रियलिटी। इस तरह के घर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है कि मैंने काफ़ी चीज़ें मिस की हूँ, इस चीज़ पर नाराज़ ना होइएगा। नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दूँगा। जो जो चीज़ ब्रांडेड लगी हुई है, जो जो चीज़ इस घर में फिट हुई हुई है, उन सब चीज़ों की आपको डिटेल मिल जाएगी। ये इस घर की जो प्राइस है वो 9,85,00,000 रुपये है। DHA Phase 5 में कॉर्नर घर है ये। इस तरह के घरों के विजिट के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। थैंक यू।